हेलो फ्रेंड्स, आई एम दिनेश विथ अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द आरडी शर्मा, चैप्टर वन, रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन इज 15 पेस्ट्रीज एंड 12 बिस्किट्स पैकेट हैव बीन डोनेटेड फॉर अ स्कूल फेट. दीज आर टू बी पैकेट इन सेवरल स्मॉलर आइडेंटिकल बॉक्स विद द सेम नंबर ऑफ पेस्ट्रीज एंड बिस्किट्स पैकेट्स इन ईच. हाउ मैनी बिस्किट्स पैकेट एंड हाउ मैनी पेस्ट्रीज विल ईच बॉक्स कंटेन. ओके, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है. हमको इन दोनों नंबर का सिंपल एस सी एफ फाइंड आउट करना है, राइट? ओके, तो इस क्वेश्चन में हमको गिवन नंबर ऑफ पेस्ट्रीज पैकेट्स, नंबर ऑफ पेस्ट्रीज पैकेट हमको गिवन है 15. ओके, और नंबर ऑफ बिस्किट्स पैकेट्स हमको गिवन है 12. तो हमारे पास 15 पैकेट्स हैं पेस्ट्रीज के और 12 पैकेट्स हैं बिस्किट्स के. ठीक है, अब हमको इन नंबर ऑफ पेस्ट्रीज और बिस्किट्स को कुछ अलग बॉक्स में इस तरह अरेंज करना है कि सभी में इक्वल नंबर ऑफ पेस्ट्रीज आएँ और सभी में इक्वल नंबर ऑफ बिस्किट्स हैं. तो हमको इन दोनों नंबर का ही एच सी एफ फाइंड आउट करना पड़ेगा. देयरफोर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉक्स टू कंटेन इक्वल नंबर इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ 15 एंड 12. ओके, तो हम 12 और 15 का एच सी एफ फाइंड आउट करते हैं. हम जानते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा 15 इज ग्रेटर देन 12. तो हमको 15 को 12 से डिवाइड करना होगा. हम यहाँ पर साइड वर्क कर लेते हैं. हमको 15 को डिवाइड करना है 12 से. तो 12 वन ज़ा 12 सब्ट्रैक्ट किया, 15 माइनस 12 3, रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो ये प्रोसेस हमको तब तक करना होती है जब तक रिमाइंडर 0 के इक्वल ना हो. तो जो डिवाइज़र था अब यहाँ पर डिविडेंट हो गया और जो रिमाइंडर था वो डिवाइज़र हो गया. तो 3 4 ज़ा 12, इस केस में रिमाइंडर आ गया 0. ओके, तो एच सी एफ हमने फाइंड आउट कर लिया है 3. इन स्टेप्स को हम यहाँ अरेंज कर लेते हैं बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ओके, तो हमने 15 को सॉल्व करने के लिए 15 को डिवाइड किया 12 से. तो 12 वन ज़ा 12 और रिमाइंडर इस केस में हमारे पास बचा 3, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है. तो हमको ये प्रोसेस दोबारा अप्लाई करना होगी, है ना? तो फिर देन हमने 12 के लिए सॉल्व किया. 12 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 4, 3 4 ज़ा 12. इस केस में रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0. देयरफोर नंबर ऑफ बॉक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 3. ओके, तो 3 बॉक्स में हमको 15 पेस्ट्रीज और 12 बिस्किट्स के पैकेट्स को अरेंज करना है ना? हैंस Each box will contain ठीक है, पेस्ट्रीज है हमारे पास 15. तो हम 15 को डिवाइड कर देते हैं 3 से. तो 3 5 ज़ा 15. तो हर एक बॉक्स में, जो 3 बॉक्स हैं उनमें 5 तो पेस्ट्रीज होंगी. ओके, और विल कंटेन 5 पेस्ट्रीज एंड
जो बिस्किट्स हैं वो है हमारे पास 12 बिस्किट्स के पैकेट्स हैं, इसको डिवाइड करें 3 से तो 3 × 4 = 12, तो हर एक पैकेट में 4 बिस्किट्स के पैकेट्स होंगे। ओके, तो इन दो नंबर को हम देख लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ जो बॉक्स होंगे वो होंगे 3, तो हमने 3 नंबर ऑफ बॉक्स ले लिए। ठीक है, अब इन 3 बॉक्स में 5 होंगी पेस्ट्रीज और हर एक बॉक्स में 4 होंगे बिस्किट्स के पैकेट। ओके, अगर हम 12 और 15 को आपस में ऐड कर दें, 12 और 15 को हम आपस में ऐड कर दें तो नंबर आता है 27। तो नंबर ऑफ पेस्ट्रीज हम देखें 5, इस पहले बॉक्स में भी है 5, दूसरे बॉक्स में भी है 5, तीसरे बॉक्स में भी, तो 5 × 3 = 15 और 4 बिस्किट्स के पैकेट तीनों बॉक्स में, तो 4 × 3 = 12, इन दोनों का सम भी कितना आ गया 27। तो जो 15 पेस्ट्रीज थी और 12 बिस्किट्स के पैकेट्स थे उनको हमने 3 बॉक्स में कुछ इस तरह अरेंज कर लिया, जिसमें नंबर ऑफ पेस्ट्रीज भी सेम है और नंबर ऑफ बिस्किट्स के पैकेट भी सेम है। ओके, क्लियर है क्वेश्चंस, नोट कर लीजिए।